आपको आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए या अपने आधार कार्ड नंबर अपडेट कराना होता था या कोई भी करेक्शन करवाना होता था, तो आपको पोस्ट वहां आपके जो आधार कार्ड या पोस्ट ऑफिस में या कोई बैंक में आपको जाना पड़ता था। वहां जब जाते थे आपको एक टाइम लेना पड़ता था, वहां पे आपको अपॉइंटमेंट टाइम मिलता था, 11 तारीख को आना कि 12 तारीख को आना कि 15 दिन बाद आना, 16 दिन बाद आना, आपको वहां पे टाइम निर्धारित हो जाता। इतनी भीड़ भाड़ में जाना, उसके बाद वहां पे टाइम निर्धारित हो जाना, मतलब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना पड़ेगा। उस सोल्यूशन का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मिल चुका है, सोल्यूशन पहले आपको ट्विटर पे दिखाते हैं। नाउ ए रेसिडेंट आधार होल्डर कैन गेट हिज मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार बाय द पोस्टमैन एज हिज डोर स्टेप। मतलब जो अब जो रेसिडेंट जो घर में रहने वाले आधार होल्डर जो आधार होल्डर हैं कैन हिज नंबर अपने मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं आधार बाय पोस्टमैन। अपने पोस्टमैन के द्वारा आपके घर पोस्टमैन आएगा, वो आपके आधार कार्ड को वहीं पे नंबर अपडेट कर देगा। थोड़ा अगर नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं @IPPB ऑनलाइन, मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑनलाइन लॉन्च की गई सर्विस टूडे। इस सर्विस एक सर्विस टूडे लॉन्च की फॉर अपडेटिंग मोबाइल नंबर, ये जो है मोबाइल नंबर अपडेट करके लिए है। इन आधार इन रजिस्टर फॉर @VIDIA। तो यहाँ पे कुछ अपडेटिंग जो सर्विसेज लॉन्च की गई हैं, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा होगा, जहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ही इसकी सर्विस को प्रोवाइड करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे हम चलिए वो पढ़ के आपको बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर इसको जूम करते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं जूमिंग ऐसे करते हैं, यहाँ देख सकते हैं जूम करते हैं तो आपको यहाँ देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च्ड मोबाइल अपडेट। यहाँ देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च मोबाइल अपडेट सर्विस आधार एंड रजिस्टर ऑफ VIDIA। तो यहाँ पे ये सर्विस है, चलिए हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि इंग्लिश अगर आपको नहीं समझ में आती तो हिंदी में इसको हम कन्वर्ट कर लिया हिंदी में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने UIDAI के रजिस्टर रूम में भी, इसको कैसे मतलब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, रजिस्टर के रूम में आधार के लिए मोबाइल अपडेट सेवा शुरू की नई दिल्ली 20 जुलाई 2021, मतलब 20 जुलाई 2021 को ये सेवा शुरू की गई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने आज घोषणा की है कि अनाउंसमेंट किया है कि उसने एक रजिस्टर के रूप में आधार मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए एक सेवा शुरू की है। आधार नंबर मोबाइल अपडेट करने की एक सेवा शुरू की है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। अब एक निवासी आधार धारक अपने घर के दरवाजे पर डाकिया द्वारा अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकता है। यहाँ पर बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ, आधार धारक अपने घर के दरवाजे पर डाकिया द्वारा अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकता है। यह सेवा 650 IPB शाखाओं, मतलब 650 शाखाएं की ओपन की जाएंगी, 146,000 डाकिया और ग्रामीण डाक सेवाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध होगी, जो स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरणों से लैस होगी। मतलब कोई जो डाकिया आपके यहाँ आएगा वो स्मार्टफोन बायोमेट्रिक लेकर के आएगा, वहीं पे बायोमेट्रिक आपके थंब के निशान, आपका जो लेंस होता है आँखों का, वो पूरा वहीं पर स्कैन कर लिया जाएगा, वहीं पर आपका आधार नंबर अपडेट हो जाएगा। VIDIA के CEO, जो इनके CEO हैं, उन्होंने कहा, डॉक्टर सौरभ गर्ग जी ने कहा कि VIDIA के आधार से संबंधित सेवाओं को आसान बनाने के लिए अपने निरंतर प्रयास में डाकिया और ग्रामीण डाक सेवाओं के माध्यम से IPB के माध्यम से निवासियों के दरवाजे पर मोबाइल अपडेट सेवा लाई गई। यह निवासियों को बहुत मदद करेगा, क्योंकि एक बार उनका मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हो जाने के बाद VIDIA के कई ऑनलाइन अपडेट सुविधाओं को, कई सरकारी कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक बार आपका नंबर अपडेट हो जाता, अभी हम दोस्तों बता दें, जैसे जिनका नंबर आधार कार्ड से अपडेट नहीं है वो बहुत सी सेवाओं से वंचित हो जाते हैं, जहाँ पे OTP जाना होता है, जैसे तुरंत अकाउंट खुल रहा है या कहीं पे UTP है, बहुत सारी सेवाएं मिल जाती, मनरेगा हो गया, LPG हो गया, पैन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सारी बहुत सारी सेवाएं मिल जाती जिनको वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, यहाँ पे लाभ नहीं उठा। मोबाइल अपडेट सेवा के शुभारंभ में बोलते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO जो हैं श्री जी के विकट रूम ने कहा कि आधार के माध्यम से सरकार करोड़ों लोगों तक पहुंचाने विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। LPG के रूम में पहल मनरेगा आदि सीधे उनके बैंक खातों में, पैन, ड्राइव लाइसेंस, EPFO सब्सिडी वाले राशन जैसी कई अन्य सुविधाओं
को आधार से जोड़ने के साथ साथ आधार मोबाइल नंबर को अपडेट कराने सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक, तो उपयोगिता के सुरक्षित परिसर डाक्टर डाकियों ग्रामीण सेवा, यहाँ पे आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, जो मेन मेन पॉइंट हम वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है। आईपीबी का मूल उद्देश्य बैंक रही तो कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना। जैसे यहाँ पे बहुत सारे गांव होते हैं, गांव में बैंकें कम होती हैं, बैंक रहित कम बैंकिंग सुविधा होती है, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए 155,000 डाकघरों, ग्रामीण क्षेत्र में 135,000, 3,00,000 डाक कर्मचारियों वाले नेटवर्क का लाभ उठाकर अंतिम छोर तक पहुँचाना है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से सुविधा थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये ट्वीट था, जो हम जूम करते हैं ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर और फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप नीचे देखें, फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन आईपीबी विजिट www.ipbonline.com। चलिए इस पर हम विजिट करते हैं और देखते हैं कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। दोस्तों इसके लिए आपको .com ये हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सर्चिंग हो रही है, यहाँ देख सकते सर्चिंग हो रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से जो ऐड आएगा उसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं मर्चिंग, यहाँ देखेंगे आपको एक मिलेगा डोर स्टेप बैंकिंग। थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये आप सर्किल करके नीचे आपको जाना होगा। नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, चलते जा रहे फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑप्शन, यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले ही दो ऑप्शन यहाँ पे ऐड थे, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेशन, जीवन प्रणाम, पेमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट, ये भी ऐड था। पर अभी एक नया ऐड हो गया, मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार, यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार, ये आपको ऐड हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा देखने, डोर स्टेप रिक्वेस्ट सबमिशन प्रोसेस, मतलब डोर स्टेप के लिए रिक्वेस्ट, आपको एक रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर कैन राइज सर्विस रिक्वेस्ट ड्यूरिंग टाइमलाइन मेंशन ब्लो, मतलब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कॉल एंड कॉल सेंटर 1552991800180980 पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट ले लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एन एचओसी रिक्वेस्ट थ्रू जीडीएस पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस, उसके बाद देखेंगे सर्विस डिलीवरी हॉर्स क्या, इनका मतलब जो सर्विस डिलीवरी का क्या समय है, उसके लिए द रिक्वेस्ट कैन बी रीच्ड अ मिनिमम ऑफ 2T+2 मैक्सिमम T+10, मतलब 2 से 10 दिन के बीच में इनका जो मिनिमम टाइम है T+2 है और मैक्सिमम टाइम T+10 है। ठीक, मतलब इतने दिन में ये सर्विस आपको दे देंगे। कस्टमर कैन पिक टाइम स्लॉट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिटवीन, मतलब जब कस्टमर कैन पिक मिलना चाहिए उसको डिलीवरी सर्विस आपको मिलेगी, जो सर्विस का टाइम होगा 11 से आपका 4 PM, मतलब 11 बजे से 4 बजे का टाइम होगा, उसी बीच में आपको सर्विस मिलेगी। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको यहाँ मिलेगा डिस्क्लेमर, पढ़ सकते हैं द सर्विस रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द स्लॉट विद GDS पोस्टमैन IPBB विल, यहाँ पे आप सर्विस पर देखते हैं अटैम्प्ट टू फुलफिल द डोर स्टेप बैंकिंग रिक्वेस्ट ऑन बेस्ट एफर्ट बेसिक, यहाँ पे मतलब आपको कोई मतलब जो सुविधा डोर स्टेप बैंकिंग रिक्वेस्ट की सुविधा आप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस चार्जेस, जो इसके चार्जेस हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्लिक करके, फ्लाइट इंडिया नो लिमिट यहाँ पे चार्जेस अप्लीकेबल डोर स्टेप बैंकिंग चार्जेस में। ठीक, उसके बाद क्लिक हियर टू नो प्रोडक्ट वाइज DCB चार्ज फॉर IPBB नॉन IPBB कस्टमर, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हैं जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करते हैं जो IBB कस्टमर हैं या नॉन IBB कस्टमर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर करके अपना आधार अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों ये सुविधा शायद बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे गांव के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड से अभी तक भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।